ये ला भाई थरा देसी ताऊ भाई स्वागत करता है थरा ताऊ देसी ताऊ फिटनेस में। भाई आज थरा ताऊ बताएगा देसी प्रोटीन जो कि चने से भुने और चने से बनता है सत्तू। सत्तू आपने नाम काफी सुना होगा। भाई आज थरा ताऊ बताएगा सत्तू होता क्या है, कैसे बनता है और हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल सप्लीमेंट होते हैं उनमें हमें कितना प्रोटीन मिलता है और नॉर्मल ये सत्तू से हमें कितना प्रोटीन मिलता है और क्या रिजल्ट है, किस प्रकार से हम ग्रो कर सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स है, वो आप आज थोड़ा ताऊ बताएगा आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। सत्तू बनाने के लिए चने भुने और जो चने होते हैं ना बाजार में मिल जाते हैं हमें लगभग 100, 150, 200 क्वालिटी के ऊपर होता है वो मिल जाता है। जबकि हमें प्रोटीन यदि हम लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट हम लेते हैं तो लगभग 1000 से ऊपर हमें पड़ जाता है, जिसमें हमें काफी कॉस्टली, ये तो अंतर हो गया हमारे पैसे का, वो कॉस्टली पड़ रहा है हमें, 1000 अप पड़ रहा है। ये हमें 200, 300 में भी हमारा काम चल जाता है। और बेसिकली ये होते हैं, इस प्रकार से हमें चने मिलते हैं भुंदे और जो चने मिलते हैं ना किसी भी कौन से भी हो, येलो हो या फिर नॉर्मल हो, आप देख सकते हो ना ये येलो वाले हैं। इसमें जो है ना हमें 100 ग्राम में प्रोटीन मिल, 100 ग्राम में ना हमें प्रोटीन मिल जाता है 17 से 20 ग्राम के हेर पे में। जबकि हमें सप्लीमेंट प्रोटीन में हमें मिल जाता है, पाउडर में जो मिल जाता है हमें लगभग 24 ग्राम से लेकर 30 ग्राम से, वो क्वालिटी और ब्रांड के ऊपर होता है। और ये देसी जुगाड़ है भाई, बहुत बढ़िया जुगाड़ है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा। आप लोगों को मिक्सी में, मिक्सी होगी आपके घरों में या फिर आप कहीं बाजार में भी आप मिक्सी में इसको पिसवा सकते हो। बड़ा बारीक सा छिलका हो कोई इशू नहीं है, छिलके समेत भी करवा लो, जिससे बस थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं छिलका नहीं चाहिए तो छाननी में आप छान सकते हैं इसको, छाननी होगी आपके घरों में लोकल भाई लोग, मैं तो देसी हूँ, हमारे घर में छाननी है, छाननी से आप छान लो इसको, बारीक निकल जाएगा, जो भी है ऊपर का छिलका है वो ऊपर रह जाएगा। बेसिकली तो आप छिलके साथ भी ले जाओ, थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत टेस्ट का है, बाकी बढ़िया चीज है, घरेलू चीज है। आप देख सकते हो, देखो मैंने जैसे पीसा है, देखो कितना बारीक है, बारीक आप अपने अनुसार पीस लेना। आप इसको लेना कैसे है, आप गर्म दूध में ले सकते हो, ठंडे दूध में ले सकते हो। ठंडे दूध में आप मिक्सी में आप गेर के 3 या 4 चम्मच, साइड इफेक्ट तो किसी प्रकार का है नहीं, क्योंकि चने हैं, चने आप खा सकते हो। बस कोशिश करना कि यदि आप ले रहे हो तो आपको मेहनत उतनी करना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए ना, चाहे आप सप्लीमेंट ले रहे हो चाहे घरेलू प्रोटीन ले रहे हो, डाइजेस्ट करने के लिए तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत करोगे बढ़िया प्रोटीन मिल जाएगा आप लोगों को। और इसको मिक्सी में आप ठंडे दूध से या फिर नॉर्मल दूध से आप ले सकते हो, मिक्सी में गेर लो, थोड़ा बहुत जो है शक्कर गेर सकते हो, चीनी गेर सकते हो, जैसे देसी भाषा में हमारे मिल जाती है खांड। खांड बहुत ठंडी भी होती है, ठंड गर्मी में आप ले सकते हो, ठंडी रहती है खांड, थोड़े बहुत अपने टेस्ट के अनुसार मीठा गेर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वो नहीं होगा, मीठे ले सकते हो। कोई जब आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में चले जाते हो ना, जब उस दौरान आप मीठे नहीं खा सकते हो, बाकी आप मीठे ले सकते हो। टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा बहुत गेर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, सत्तू वर्सेस प्रोटीन सप्लीमेंट जो होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, साइड इफेक्ट्स उनके भी नहीं है, बट अंतर पड़ जाता है यार कि आजकल है ना मार्केट में ना कॉपी भी बन जाती है, क्वालिटी उससे थोड़ा हो जाता है। हालांकि मैं इनके खिलाफ नहीं हूं जो प्रोटीन होते हैं, बट मिलावट भाई ज्यादा हो जाती है, इस कारण जो है ना देसी पे ज्यादा फोकस करो, जो घरेलू चीजें होती है ना उन पे ज्यादा प्रोटीन लो। बाकी बहुत सी चीजें हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि हम किस प्रकार से और बेटर प्रोटीन हम ले सकते हैं जो घरेलू प्रोटीन होती है। होपफुली आप लोगों को सत्तू के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बता दिया होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी क्या कह रहे हो, देसी ताऊ कह रहे हैं।